नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। हम कल सोहागपुर में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहुंचे कुछ आदिवासी परिवारों के पास, लगभग 200 आदिवासी परिवार जो कि जंगल सत्याग्रह के लिए बैठे हैं। हम उनके पास पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश की कि विषय क्या है। तो उन्होंने बताया कि 2012-13 में पिपरिया तहसील मटकुली के पास से उनको विस्थापित करके बाबई तहसील बागरा तपा के पास उनको विस्थापित कर दिया गया। उसके बाद उन लोगों को शासन की ओर से कुछ योजनाएं दी गई, दो विकल्प दिए गए। तो विकल्प क्या है, पहले विकल्प को समझते हैं कि पहला विकल्प था एक परिवार के लिए कि भाई पहले विकल्प के दौरान आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो परिवार में 18 वर्ष से ऊपर होगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पहला विकल्प था। दूसरा विकल्प था कि आपको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, खेती किसानी है अपने व्यवसाय के लिए। तो पहले विकल्प के दौरान जो व्यक्ति थे वहाँ पे, आदिवासी परिवार थे जिनको बावई विस्थापित कर दिया गया, उन लोगों ने सहमति पत्र दिए जिनमें उसको 10 लाख रुपए और कुछ घर बनाने के लिए जमीन दी गई। और उसके बाद उनको जो दूसरा विकल्प था, उन्होंने जिसपे सहमति जताई, उनको सहमति के तहत 5 एकड़ की जमीन दी गई। अब विषय ये है कि उन लोगों को वहाँ जमीन दी गई, कुछ लोगों को पैसा दिया गया, उन परिवारों का आरोप है कि हमें जो है दूसरे विकल्प के विषय में जानकारी दी ही नहीं गई। जो दूसरा विकल्प था जिसमें 5 एकड़ जमीन मिलनी थी, उस विषय की जानकारी हमें दी ही नहीं गई। ये एक बड़ा विषय है। तो आदिवासियों ने आरोप यह लगाया कि हमें दूसरे विकल्प की जानकारी नहीं दी गई, तो हम दूसरे विकल्प को चुनते कैसे। आज कंडीशन ये है, उनका कहना यह है कि जो 10 लाख रुपए थे उसमें हमने घर बनाया, घर बनाने के बाद इतने दिनों तक हमारी परिवार को संचालन किया। क्योंकि हम वहाँ पे नए पहुँचे थे तो हमें वहाँ पर रोजगार की कमी कैसी रही, जबकि रोजगार की जिम्मेदारी वहाँ पर जो विस्थापन अधिकारी थे या जो ग्राम पंचायत थी, मनरेगा के माध्यम से या वन विभाग के माध्यम से उनको रोजगार मिलना था, क्योंकि वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। इसकी वजह से उनको आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। रूपेश कुमार, हम उपस्थित हैं नर्मदापुरम जिले की तहसील सोहागपुर में, जहाँ कुछ आदिवासी जंगल में अपनी अधिकारों की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंगल सत्याग्रह कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वे लोग इस धरना के लिए या अपनी मांगों के लिए क्यों बैठे हैं और ऐसी क्या बड़ी परिस्थिति बनी कि उन्हें जंगल सत्याग्रह करने पर मजबूर होना पड़ा। हम उनसे बात करेंगे। जानकारी है कि पिपरिया तहसील के यहाँ पर कुछ गांव हैं, जैसे रोरी घाट, जामन डोंगा, नया खेड़ा, अंजन ढाना, बिरजी खापा, नानकोट, यहाँ से ये ग्रामीण विस्थापित होकर बाबई तहसील के अंतर्गत विस्थापित किए गए। वहाँ पर इनको रहने के लिए जगह दी गई, परंतु मांग है कि हमें बहुत सारी जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई हैं। विकल्प एक के तहत राशि दी जानी थी 10 लाख रुपए, विकल्प दो के तहत जमीन दी जानी थी लगभग 5 एकड़। कुछ लोगों को नहीं मिल पाई है और जिन लोगों को मिली है उनका कहना है कि हमें अधूरी जानकारी दी गई। विकल्प दो थे परंतु हमें एक ही विकल्प के विषय में बताया गया और हमारे साथ धोखा किया गया, जिसको लेकर वे लोग परेशान हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे ये समस्या उत्पन्न हुई और क्या हुआ। दादाजी, कि आप लोग यहाँ पे जो जंगल में बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इसका कारण क्या है और क्या परिस्थिति बनी कि इस पर आपको मजबूर होना? सर जी, आपके पास जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जहाँ तो मतलब वो अपने जगह लिए हैं ढाई एक, उसमें मकान बन गया, कक्ष मतलब हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है, है ना। और एक अक्ष हमने जहाँ वो उड़ा के मतलब थोड़ा बहुत हमको मिले तो हमारी व्यवस्था चल के बाल बच्चों ये सुरक्षित हो जाए, है ना। और भाई देखो, हम हैं बाल बच्चे के मतलब हमारे मतलब मिल जाता वहाँ 5-5 एकड़ भूमि, और जहाँ कुछ भी नहीं मेरे काजे पैसे दिए, हाँ 10 लाख दिए और बेकल एक की फर्म दिए डबल कल की दो बता देते तो हमको जमीन बजाते चाहे मतलब विकल राशि में। मगर उन लोगों आपको विकल्प दो के विषय में जानकारी नहीं दी जिसमें कि जमीन मिलनी थी, केवल विकल्प एक की ही जानकारी दी। विकल्प एक जानकारी दी है तो हाँ,
वहाँ पर आप लोग घर वगैरह बनाओ, रोजगार वहाँ पे काम करने की? नौकरी में कुछ नहीं, मैंने हाथ मजदूरी करने पड़ते हैं, ला के खाते शाम सुबह बस। हाँ जी, हमारे साथ क्या नाम है भी आपका? मान सिंह। तो मान सिंह, ये जैसे कि आप बता रहे थे कि लोग अपार हैं, तो ऐसे कितने जिनको विकल्प या दो का किसी का लाभ नहीं दिया गया? विकल्पी एक का 124, 124 में से 60 करीब ना पाए। हाँ। और विकल्पी दो का 50 है। हाँ। 50 से 10 को दिया भूमि और मकान को दिया उन्होंने प्लाट काट के। अच्छा। और उसी खरीदने के लिए भी टुटवा दिया उन्होंने वन विभाग। आपको 5 एकड़ मिली थी जी के तहत? हाँ। तो 5 एकड़ जमीन मिली, तो उस आप जमीन एकड़ सभी लोगों को बेच दी? नहीं, हमें नहीं मिला, एक दूसरे को मिला। हाँ। हमारे फार्म भरा था विकल्प दो में। हाँ। लेकिन हमें नहीं मिला। हाँ। विकल्प एक की राशि प्राप्त हुआ, जिसको मिला था तो उनको सबको बटवा दिया उनने, जो 10 लोगों दिया उनने 60 मकान के प्लाट कटवा के मकान बनवा दिया। मतलब आपको जो विकल्प दो के जमीन मिली थी उसमें कटवा के लोगों को घर बनाने के लिए जगह दे दी? हाँ, जिसको भी मिला था, जो भी व्यक्ति था जिनको 5 एकड़ जमीन मिली थी, उन्हीं के जमीन में से प्लाट कटवा के सब बटवा दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं? कुमार, क्या परिस्थिति थी जो विकल्प दो का लाभ कम लोगों को मिल पाया और लोगों को अपात्र कर दिया गया, तो कैसी कहानी है ये? मेरा ये कह कि जो विकल्प दो का फार्म भरा गया था, मतलब सभी को मिलना था, क्योंकि मेरा उम्र नहीं था, ना पात्र हूँ मैं। लेकिन आप लोगों ने जो 1,00,000 रुपये दिए हैं, आप लोग तरफ कैमरा को देख लीजिए, 10,00,000 रुपये दिया होगा, किसी के चेहरा में हलचल हुआ होगा, कोई परिस्थिति से बैठे हैं वे लोग भी के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से सभी लोग को भूमि मिल जाता तो कम से कम रोजगार स्वयं का उठा सकता है। इस परिस्थिति में तो जंगल में इसलिए धरना धरा। जैसे कि अभी बताए थे कि हमें जो एक किसी भी व्यक्ति को, मैं आप पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को जमीन दी गई थी, और फिर ये भी आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे वो जमीन जो है वो एक व्यक्ति को 5 एकड़ मिली, सबको कुछ 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 बांट दी गई, उन्होंने बेची बेची अपनी मर्जी से या शासन के कहने पर थी? शासन, मेरे हिसाब से तो जो शासन के हिसाब से था, एक एक एकड़ सभी को बांटे जाए, उसी में से 10 लोग, जैसे फार्म तो 50 हितग्राहियों के भरा गया था 5-5 एकड़ का, लेकिन उसी में से एक एकड़ सभी बंटवा दिए। मतलब जैसे कि ये भैया को मिली है 5 एकड़, इन्होंने 4 लोगों को और एक एक एकड़ बेच दी, जिसमें सभी के पास एक एक एकड़ रही, जिसमें इन्होंने बेची है, पैसे दिए जी जी, जिसमें से एक एक एकड़ बांट दी, तो उसमें से इस कारण से एफडी टूटवाना पड़ा, सामने वाले को मतलब जमीन है उसको पैसा भुगतान करना। अच्छा, यहाँ पर जो आपको, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आपकी मुख्य मांगे क्या, आप क्या शासन से कहना चाहते हैं, और क्या आपको, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी मुख्य मांगे क्या, आप क्या शासन से कहना चाहते हैं, और क्या कब तक आप बैठे रहेंगे? पहले आपकी मांगे चाहूँगा कि आपकी मुख्य मांगे क्या है। मेरे हिसाब से तो जैसे फार्म, आपसे जो फार्म भरा गया 5 एकड़ का, जिसमें एकड़ प्राप्त हो गए, लेकिन वो 4 एकड़ बाका है, जिसमें हमारी परिवार का पालन हो सके। ये आपके मांग जी जी, आपने कहा उद्योगी, यहाँ पे पूरे गांव, यहाँ पर लगभग 200 लोग जंगल सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए हैं, और विगत 10 दिनों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। पूरे गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, हम उनके साथ भी उपस्थित हैं, और उन्होंने बताया कि कल एक बड़ी कार्रवाई हुई, वन विभाग के कुछ लोग आए और उन्होंने यहां पे जो सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो टपरे बनाए थे उनको तोड़ दिया गया, तो कैसे क्या हुआ था? जहां पे महिला एवं पुरुष द्वारा सभी लोग धरने पर बैठे हैं, जिसमें तड़पती धूप और काफ़ी समस्या आने कारण से सभी ने तंबू तान ली, जिसमें उसके नीचे रहने लगे छाई की, तो वन विभाग तरफ से आए और वनमंडल तरफ से, और काफ़ी तोड़फोड़ कर दिए मकानों को, और जहाँ से उठने का बोला 2 दिन के अंदर, जिसमें माता लोगों को भी काफ़ी समस्या झेलना पड़ा, और हम लोग सभी बुजुर्ग दलों को और एवं सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक सभी लोग धरने पे बैठे हैं, जिसमें सभी लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं। 2 दिनों का बोल के गए हैं कि 2 दिन में नहीं हटे तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक मांगे पूरी नहीं, हाँ जब तक मांगे पूरी ना हो जाए। वन विभाग का कहना है कि हमें जो उनको लाभ देना था वो हम लाभ उन्हें दे चुके हैं। विकल्प एक के तहत
10 लाख रुपए की राशि, विकल्प दो के तहत 5 एकड़ जमीन। अब ये लोग अपने उन जो उन्होंने उनको लाभ दिया है, अब इनका वन विभाग का कहना है कि अतिरिक्त मांग रहे हैं, जो कि हम पॉसिबल नहीं है और हम नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद भी आदिवासियों का कहना है कि हम तो यहीं पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। आदिवासियों ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नर्सरी सामान्य वन में पत्तों से, साड़ियों से, कपड़ों से एक छोटे छोटे टपरे बनाए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि वन विभाग के कुछ 30-40 अधिकारी आए थे, जो कि फॉरेस्ट रेंजर होंगे। उन्होंने उनके टपरे को तोड़ दिया और 2 दिन में वहाँ से खाली करने की बात कही है। इसके बाद अगर उन्होंने खाली नहीं किया तो हम इसे तोड़ देंगे, ये एक विषय निकल के आया। अब क्या होता है, क्या आदिवासियों की मांग पूरी होगी या नहीं होगी, और क्या इसके परिणाम निकलेगा, ये भविष्य में देखने को मिलेगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।